नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल उड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलेंडर, जिसके अंदर हम दो क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारी तीसरी क्लास होगी। तो साथियों, अगर आपने इसकी पिछली दोनों क्लास को नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास तीसरी, और इस तीसरी क्लास के अंदर हम देखेंगे आज टाइप फाइव। तो साथियों, अगर आपने पिछली दोनों क्लासों को देखा है तो आपको पता होगा पहली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक रूल ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के बेसिक रूल देखे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरी क्लास के अंदर हमने चार टाइप कंप्लीट किए थे, आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंदर हमारा टाइप फाइव होगा, और इस टाइप फाइव के अंदर हम देखेंगे कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैलेंडरों की पुनरावृत्ति होती क्या है। ऐसे समझना जैसे अभी आपका ईयर कौन सा चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो जो 2020 का जो कैलेंडर है सेम यही कैलेंडर कौन से वर्ष में जाकर आएगा, यही हमारी पुनरावृत्ति होती है, यानी ये कैलेंडर कब जाके रिपीट करेगा, यही सेम। जैसे ऐसे समझना, जैसे 1 जनवरी 2020 है, 1 जनवरी 2020 के लिए मान लीजिए सोमवार है, 1 जनवरी 2020 के लिए सोमवार मान लीजिए, तो यही वाला कैलेंडर यानी 1 जनवरी को कौन से वर्ष में जाके सोमवार आएगा, जो आपको 1 जनवरी को सोमवार है, 2 जनवरी को मंगलवार होगा, यानी कि जो कैलेंडर 2020 का सेम यही कैलेंडर समान होना चाहिए, कब जाकर रिपीट करेगा उससे ही हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो अभी आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वहां से आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहां मैंने लिखा इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंक को 4 से विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो देखो, ये चीज़ मैंने पहले से लिख के रख ली है, क्यों रख रही है, क्योंकि आपको पता है राइटिंग तो मेरा बहुत अच्छा है भाई, तो इस वजह से मैं पहले ही लिख लिया और ये बहुत भाई आराम आराम से लिखा तब इतना साफ आया है, ठीक है। तो आपका इससे समय भी बच जाएगा और मेरा राइटिंग भी गंदा, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ साफ करके भी लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, क्या लिखा मैंने, कैलेंडरों की पुनरावृत्ति में जो प्रश्न आते हैं, तो वहाँ बोला मैंने इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंकों को 4 से विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। 4 से भाग देने के बाद क्या करते हैं, शेषफल ज्ञात करते हैं। यदि यहाँ से पहला पॉइंट देखेंगे, यदि शेषफल 1 बचे तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देते हैं, शेषफल अगर 1 बचेगा तो उसमें कितने जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे दिए गए वर्ष में। सेकंड नंबर देखेंगे आप, शेषफल 2 या 3 बचे तो दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं। परेशान मत होना, अभी क्वेश्चन आपके लिए समझाऊंगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन ये पहली चीज़ें मैंने लिखाई हैं, इसे समझ लीजिए और आप नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते चलें, ठीक है। तीसरे नंबर देखेंगे, शेषफल 0 बचे तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं, अगर शेषफल 0 बचे तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। यहाँ पर नोट करके मैं लिखाया, दुनिया का कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष बाद समान होता है, यानी कोई भी कैलेंडर हो 28 वर्ष बाद आपका ये पुनरावर्त होगा ही होगा। ये क्यों लिखाया, ये भी चीज़ आपकी काम आएगी, जैसे अभी क्वेश्चन समझाता हूँ आपके लिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना 2017 का जो कैलेंडर है, वर्ष 2017 का जो कैलेंडर कब जाके पुनरावर्त करेगा, कब जाके रिपीट होगा, या फिर बोलो कब जाके यही समान कैलेंडर होगा, कौन से वर्ष में जाके, वर्ष 2017, वर्ष 2017 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक आप देखेंगे 1 और 7 है, यानी कि 17 हो जाएगा, अंतिम दो अंक को 4 से विभाजित करते हैं। तो इस 1, 7 को हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बताना, इस 4 से 17 को डिवाइड करेंगे फिर क्या करते हैं, शेषफल ज्ञात करते हैं। तो 4 का भाग 17 में देंगे, बताना शेषफल कितना बचेगा, आप देखेंगे शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा भाई, 4 का भाग इस 17 में देंगे तो आप देंगे 4 चौके 16, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, शेषफल ज्ञात करते हैं। यदि शेषफल 1 बचे तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 6 जोड़ते हैं, यानी कि इस 2017 में, इस 2017 में हम 6 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2023, यानी 2017 का जो कैलेंडर है, 2017 का जो कैलेंडर है कब जाकर पुनरावर्त होगा, 2023 में, यानी 2017 और 2023 का जो कैलेंडर होगा बिल्कुल समान होगा। यानी कि अगर आपके पास 2017 का कैलेंडर है तो आप उसे फेंकना मत, 2023 में आपका काम आ जाएगा, ठीक है। वैसे हालांकि किसके पास रखा हुआ, चलिए हाँ, एक चीज़ और जो नोट करके मैंने लिखाई है, जैसे अगर किसी तरीके से आपके
ऑप्शन में 2023 आंसर ना होता, 2023 आंसर ना होता तो हम क्या करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर मान लीजिए 100% यही है कि आपका ऑप्शन 2023 होगा, अगर बाई चांस ना दिया हो तो क्या करेंगे 2017 28 ऐड कर देंगे। भाई मैंने क्या लिखा, दुनिया का कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष बाद समान होता है, यानी कि आपको यहाँ देखेंगे 8 और 7 15, 2 और 1 3 4, और आप देखेंगे 2045 में जाके आपका कैलेंडर जो समान होता है। तो आप डायरेक्ट ही एग्जाम के अंदर 28 ऐड ना करते, ये कब करना है, जब हमारा ऑप्शन में ये आंसर ना हो तब करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं आपसे पूछूँ बताना 2018 का कैलेंडर कब समान होगा, 2018 का कैलेंडर कब जाके समान होगा 2018, तो 2018 में क्या देखेंगे हम, लास्ट वाले दो अंक देखेंगे, 2018 में लास्ट वाले दो अंक यानी कि 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, और 4 चौके 16 क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल। तो बताना 4 का भाग 18 में देंगे, शेषफल कितना बचेगा 2, अगर शेषफल 2 या 3 बचे, शेषफल 2 या 3 कोई भी बचे तो उसमें कितने ऐड कर देते 11, यानी कि इस 2018 में हम कितना ऐड कर देंगे 11 ऐड कर देंगे, आप देंगे 8 और 1 9 1 और 1 2 0 और 2 29, यानी कि 2029 में जाके आपका कैलेंडर सेम हो जाएगा, कौन सा वाला 2018 वाला। अगर अभी की बात करें प्रेजेंट की, हमारा कौन सा ईयर चल रहा है 2020 चल रहा है, तो बताना अगर 2020 की बात करें, ये हमारा 2020 है, ये कैलेंडर कब जाके पुनरावर्त होगा, 2020 वाला समान कैलेंडर कौन से वर्ष में जाके होगा, तो लास्ट वाले दो अंक 20, 4 का भाग लगाएंगे, आप देखेंगे शेषफल क्या बचेगा 0, क्योंकि 4 का भाग तो हमारा 20 में पूरा चला जाएगा, 4 5 20, शेषफल क्या बचेगा 0, शेषफल 0 बचे तो दिए गए वर्ष में 28 ऐड कर देते हैं, यानी कि 2020 और 28 ऐड कर देंगे 8 4 और 0 और ये, यानी कि 2048, यानी कि आपको 2020 अभी चल ही रहा, सबके पास कैलेंडर तो होगा ही होगा, यानी इस कैलेंडर को रख लें और 2048 में आके आपका काम ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ये बात थी, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके लिए और भी समझा देता हूँ, ये तो मैंने आपको पुनरावर्त वाली चीज़ बता दी समझा दी, अब मैं इसे मिटा दूँ कोई दिक्कत नहीं, आपने नोट तो कर लिया होगा और याद कर लेना इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है देखना, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ यहाँ पर इसे मिटा दूँ, और आप इसे नोट भी कर लेना या फिर आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा जो भी है, और हालांकि आपने नोट भी कर लिया होगा इतनी देर में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, रिया का जन्मदिवस, अब रिया चक्रवर्ती मत समझना भाई, चक्रवर्ती के चक्कर में मत पड़ जाना, चक्रवर्ती का मामला भैया बहुत जैसा है, तो देखना रिया चक्रवर्ती नहीं हमारी, क्या है, रिया का जन्मदिवस, रिया का जन्मदिवस, रिया का जन्मदिवस 13 मार्च 2019 का है, उस दिन सोमवार था, वह अगले किस वर्ष पुनः सोमवार को ही मनाएगी। समझिए क्वेश्चन, रिया का जन्मदिवस 13 मार्च 2019 का है, उस दिन सोमवार है, वह अगले किस वर्ष पुनः सोमवार को ही मनाएगी, अच्छा जन्मदिन भूलिया है, यहाँ लिख लेना, वह अपना जन्मदिन अगले किस वर्ष पुनः सोमवार को ही मनाएगी, समझिए क्वेश्चन, 13 मार्च 2019 को मनाया और उस दिन क्या था सोमवार, अब ये मनाना चाह रही है कि सोमवार को ही मनाए, इसका मतलब सोमवार कब मनाएगी, जब हमारा कैलेंडर भाई रिपीट करेगा तभी तो हमारा सोमवार आएगा, 13 मार्च को सोमवार ही होना चाहिए, 13 मार्च 2020 भी होगी, 13 मार्च 2021 भी होगी, लेकिन ये जरूरी तो नहीं उस दिन भाई सोमवार ही हो, इसको क्या करना है 13 मार्च को मनाना है और उस दिन सोमवार ही होना चाहिए,
तो क्या करेंगे, कैलेंडर की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। यानी इस 19 को हम देखेंगे, लास्ट वाले दो अंक देखेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, शेषफल यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। शेषफल भाई 4 का भाग 19 में देंगे, शेषफल कितना आएगा, आप यहाँ से देखेंगे शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। मैंने अभी आपके लिखा है, तभी मिटा दिया। अगर शेषफल 2 या 3 बचे तो उसमें हम कितना ऐड कर देते हैं, 2 या 3 बचे तो उसमें 11 ऐड करते हैं। कितना 11, यानी कि 2019 और 11 कितना हो जाएगा, 2030। यानी कि रिया अपना जन्मदिन 13 मार्च 2030 को मनाएगी, तो उस दिन क्या होगा, सोमवार होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, समझ आ गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2005 का कैलेंडर, वर्ष 2005 का कैलेंडर, और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपका आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2005 का कैलेंडर, वर्ष डॉट डॉट करके दिया, के समान था। ऑप्शन देखेंगे 2010, 2011 और आपका दिया 2012 और दिया आपका 2013। ये चार ऑप्शन दिए, क्वेश्चन समझ गए भाई। वर्ष 2005 का कैलेंडर, वर्ष डॉट डॉट करके के समान था, यानी 2005 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट देखेंगे 05 और इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे। आप देखेंगे शेषफल आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर शेषफल 1 बचे तो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, अगर शेषफल 1 बचे तो उसमें हम 6 ऐड कर देते हैं, अगर शेषफल 1 बचे तो हम उसमें 6 ऐड कर देते हैं, यानी कि हमारा आंसर मेरे प्यारे भाई बंधु कितना हो जाएगा, 2011 हो जाएगा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन, ये हमारा आंसर, समझ गए। बताइए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, तो मैंने अभी तक आपका जो भी टाइम लिया बस इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए था, और भी क्वेश्चन है, समझ गए। तो ये इतनी सी चीज़ समझाने के लिए मैंने आपका इतना टाइम लिया, और आप अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका 101% आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1991 के पश्चात आने वाला वर्ष, 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के, यही क्वेश्चन, हाँ 1990 के कैलेंडर के समान होगा, कौन सा है। ऑप्शन देख रहे हैं हमारा कितना है, 1998, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। सेकंड ऑप्शन देखेंगे 2001, थर्ड ऑप्शन देखेंगे 2002 और फोर्थ ऑप्शन है 2003। क्वेश्चन समझेंगे कि नहीं समझिए, ध्यान से सुनिए, 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा, 1990 के कैलेंडर के समान होगा, वह कौन सा वर्ष है, और 1991 के बाद आएगा वो, तो क्या करेंगे भाई, पुनरावृत्ति की बात कर रहा है, यानी लास्ट वाले 2 अंक देखेंगे और इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। आप देखेंगे जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 बार जाएगा, 22 चौके 88, यहाँ से आप शेषफल निकालेंगे, यहाँ से आप शेषफल निकालेंगे तो भाई साहब कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 4 का भाग जब 90 में देंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतना तो कर सकते हैं भाई, 4 का भाग 90 में तो लगा सकते हैं, शेषफल तो ज्ञात कर सकते हैं, कितना बचेगा, 2 बचेगा। मैंने क्या बताया था, सेकंड जो हमारा नंबर था उसमें 2 या 3 शेषफल बचे तो उसमें हम कितना ऐड कर देते हैं, 11 ऐड करते हैं, यानी कि इस 1990 में कितना ऐड कर देंगे, 11। यहां आप 1991 में ऐड मत कर देना, कि क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 1990 के कैलेंडर के समान होगा, 1990 के समान पूछा ना कि 1991 के, बस इसने बताया कि जो कैलेंडर समान होगा वो 1991 के बाद की बात कर रहा है, बस ये। तो आप क्वेश्चन से कंफ्यूज ना हो कि 91 क्या दे रखा है, 90 क्या दे रखा है, हमें 90 के आधार पर निकालना है, 90 का कैलेंडर जो है कब जाके पुनरावृत्त होगा, तो 90 और 11 ऐड कर देंगे, आप देखें कितना हो जाएगा, 2000 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2001, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन, समझ गए भाई। 90 में 11 ऐड करें क्या आएगा, 2001 आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ था, कुछ भी नहीं था, कितना सिंपल यार क्वेश्चन था, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है अगर आपको ये चीज़ें ना पता हो, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ये चीज़ें, लेकिन अब आपके लिए उम्मीद करता हूँ ये हार्ड बिल्कुल नहीं लगा, और आप एग्जाम के अंदर अब क्वेश्चन के लिए गलत करके नहीं आएंगे। इसी के साथ आपका टाइप 5 होता है कंप्लीट, क्योंकि देखो ज़्यादा क्वेश्चन कराने से मुझे तो कोई फ़ायदा है नहीं, सेम क्वेश्चन कराता रहूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं से भी किसी बुक से जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके सारे इसके अंदर कैलेंडर के अंदर जितने भी टाइप आते सारे कंप्लीट कर दो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। टाइप 6 देखेंगे, टाइप 6 के अंदर आप क्वेश्चन देखेंगे, यदि 16 मार्च को रविवार था
रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे, तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। तो देखना इस क्वेश्चन को करने से पहले, आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए, हाँ ध्यान से क्या समझनी है देखना। अभी क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करा दूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बातें उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ रविवार सोमवार, ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, मंगलवार बुधवार और आपका ये बृहस्पतिवार, ठीक है बृहस्पतिवार और आपका ये शुक्रवार और आपका ये शनिवार। ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूँ, ये आपका संडे है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, ठीक है। अब देखना जैसे मैंने मान लिया कि रविवार को एक तारीख थी, तो बताना सोमवार को कितनी होगी, दो होगी, मंगल को कितनी होगी, तीन होगी, बुधवार को कितनी, चार, बृहस्पतिवार को पाँच, शुक्रवार को आप देखेंगे छः और शनिवार को कितनी होगी, सात। क्या समझना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना, ये रविवार को क्या मान लिया मैंने, एक तारीख मान ली। अब मुझे बताना अगर सात तारीख को शनिवार है तो आठ तारीख को क्या होगा भाई, अगर सात तारीख को शनिवार है तो आठ तारीख को क्या होगा, रविवार होगा कि नहीं, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, यानी सात के बाद आठ डेट आएगी और दिन कौन सा आगा, रविवार, यानी कि रविवार हमारा आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, इस तरीके पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, सॉरी ये उसी के उस पर लाइन में लिखना है भाई, बिल्कुल थोड़ा आगे पीछे हो गया मेरा, तेईस और ये आपका चौबीस हो जाएगा, यहाँ पच्चीस, यहाँ आपका छब्बीस, यहाँ आपका सत्ताईस, यहाँ आपका अट्ठाईस, ये आपका उनतीस और ये आपका तीस और ये इकतीस। यहाँ के यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको ध्यान से देखना, अगर आपका महीना 31 दिनों का हो, तो आप देखेंगे ये जो एक तारीख, दो तारीख और तीन तारीख, आप देख रहे हैं एक तारीख को रविवार है, आठ तारीख को भी रविवार है, पंद्रह तारीख को भी रविवार है, बाईस तारीख को भी रविवार है, उनतीस तारीख का भी रविवार है। ये तो समझ गए भाई कैसे है कि अभी मैंने बताया भाई सात तारीख, सात तारीख के बाद क्या आएगा, आठ तारीख आएगी, सात के बाद आठ आएगा तो शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, यानी आठ को रविवार, तो इसी तरीके से नौ को सोमवार होगा, दस को मंगलवार होगा, ग्यारह को बुधवार होगा, बारह को बृहस्पति, तेरह को शुक्रवार, चौदह को शनिवार, इसी तरीके से पंद्रह को फिर रविवार आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मैंने आपको एक क्रम इसका लिख दिया। अब यहाँ से समझाना क्या चाह रहा हूँ ध्यान से समझना, अगर महीना आपका 31 दिनों का है तो आप देखना जो दिन आपका एक तारीख, दो तारीख और तीन तारीख को, बताना महीने के अंदर ये कितनी बार आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये रविवार है, इस महीने के अंदर कितनी बार है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसी तरीके सोमवार भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसी तरीके मंगलवार भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, मंगलवार भी आपको क्या है, पांच बार है। देखो आपके एग्जाम के अंदर ये चीज़ नहीं करनी है, आपको समझाने के लिए मैंने लिया है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके से लिखनी फिर जाके सॉल्व करेंगे, नहीं भाई आपको समझाने के लिए रहा हूँ। तो क्या समझे यहाँ से, यानी अगर महीना 31 दिनों का हो, अगर महीना 31 दिनों का हो तो जो दिन एक, दो या तीन तारीख को आते हैं वह माह में पांच बार आएंगे। तो इस चीज़ को आप नोट करके इसे लिख लेना, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, लिखना भाई मैं जो बोला, यदि महीना 31 दिनों का हो, तो जो दिन एक, दो या तीन तारीख को आते हैं वह दिन उस माह में पांच बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, पांच बार आएंगे। अगर आपका महीना 30 दिन का हो, इकतीस दिन इसे हटा दूँ, चलो लिखा रहे तो कोई देख दे, इसे हटा दिया, अगर महीना आपका 30 दिन का है तो आप देखेंगे जो दिन एक तारीख और दो तारीख को आएंगे, जो दिन एक तारीख दो तारीख को आएंगे वह 30 दिनों में कितनी बार आएंगे, वह दिन पांच बार आएंगे। कितनी बार, पांच बार। तो यहाँ भी लिख देना जिस तरीके से मैंने ये लिखा है, यहाँ लिख देना सेकंड नंबर डाल के, यदि महीना 30 दिनों का हो, तो जो दिन एक व दो तारीख को आते हैं वह माह में पांच बार आएंगे। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई। चलिए एक चीज़ और समझना ध्यान से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी।
अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एक तारीख को रविवार है, एक तारीख को आपका रविवार है, तो मैं पूछूं बताना अब अगला जो रविवार आएगा वो कब आएगा, आप देख रहे हैं 8 को आएगा। अब मैं पूछूं तीसरा रविवार कब आएगा, तो आप देख रहे हैं 15 को आ रहा है। आपसे पूछूं चौथा रविवार कब आएगा, तो आप देख रहे हैं 22 को आ रहा है। अगर पाँचवा पूछूं तो आप देख रहे हैं 29 को आ रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं 1 और 8 में कितना अंतर है, 7 दिन। यानी हर 7 दिन बाद हमारा वही दिन रिपीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सच बता रहा हूँ, मैं कहने के लिए ऐसे ही कह देता कि भाई हर 7 दिन बाद जो आपका दिन रिपीट होता है, लेकिन आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने लिखी और समझा रहा हूँ आपके लिए। बोल देता आप याद कर लेते, लेकिन यहाँ से आप समझना, जो दिन सॉरी हर प्रत्येक दिन हर 7 दिन बाद, प्रत्येक दिन हर 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट होता है, यानी वही सेम रहता है। जैसे 1 तारीख को आपका रविवार है, तो 1 में 7 ऐड कर दें, 8 तारीख को भी रविवार होगा, 8 और 7 15 को रविवार, 15 और 7 22 को रविवार, 7 22 और 7 29 को भी रविवार होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे, देखना 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30, हर प्रत्येक दिन में कितने का अंतर है, 10 दिन का अंतर है। यहाँ भी देखें 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 का डिफरेंस है। यहाँ से क्या समझ रहे हैं, यानी कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 3 तारीख को मान लीजिए बुधवार है, चलिए शुक्रवार है, 3 तारीख को शुक्रवार है, मैं आपसे पूछूं बताना अगला शुक्रवार कब आएगा, तो आपको उंगलियों पर गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें 7 ऐड कर देंगे, आप कहेंगे सर जी 10 तारीख को हमारा अगला शुक्रवार आ जाएगा। समझ गए यहाँ से जी, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो देखो जो भी मैंने टाइम लिया, हमारा ये खराब नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये जो मैंने समझाया खराब नहीं जाना चाहिए, समझ आ गया होगा आपके लिए, ठीक है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रीजनिंग में भी आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने मैथ में तो दिया ही है बहुत अच्छे तरीके से, रीजनिंग में भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं, पर बस यही है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, आप बस वीडियो को शेयर कम करते हो मुझे ऐसा लगता है। चलिए अगला, हाँ ये जो हमारा 6ठा क्वेश्चन, सॉरी ये जो क्वेश्चन था टाइप 6 का, ये तो हमने कंप्लीट किया नहीं भी, अब क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या है, 16 मार्च को क्या है, 16 मार्च को इसने क्या बताया, 16 मार्च को रविवार था, 16 मार्च को क्या था, रविवार था। अब देखना आपका क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे, ये पूछ रहा है उस माह में कितने शनिवार और सोमवार की पूछ रहा है, शनिवार और सोमवार। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर अभी मैंने जो बताया अगर ये चीज़ समझ गए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बताना, यहाँ रविवार से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो रविवार की हम बात ही क्यों करें, हमें तो शनिवार और सोमवार का मतलब है। तो बताना 16 मार्च को अगर रविवार है तो बताना शनिवार कब होगा, भाई रविवार शनिवार जो आता है रविवार से पहले आता है, यानी यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 15 तारीख को मेरा क्या होगा, शनिवार होगा। भाई कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता भाई, अगर 16 मार्च को रविवार है, 16 से 15 क्या होगा, 16 से पहले क्या होगा, 15 होगा, और 15 तारीख क्या होगा, शनिवार होगा। भाई रविवार से पहले शनिवार आता है क्या, नहीं आता, ये अब कह रहा है सोमवार भी करना है। तो देखना 16 को अगर रविवार है तो आप देखेंगे 17 को मेरा क्या होगा, सोमवार होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा इसे थोड़ा यहाँ लिख दूँ, 17 को क्या होगा आपका, सोमवार होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। भाई अगर 16 को 16 मार्च को रविवार है तो 15 को शनिवार होगा, एक दिन पहले रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार आता है, तो 15 को शनिवार होगा और 17 को सोमवार, ये वाले दिन क्यों लिए, क्योंकि मुझे ये निकलना। अब मैं आपसे पूछूं बताना इस 15 के बाद अगला शनिवार कब आएगा, तो आप देखिए 15 और 7 22 और 22 और 7 29, 29 के बाद तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि 29 में 7 ऐड करेंगे तो 36, तो महीना हमारा 36 दिनों का तो होता नहीं। यानी आप देखेंगे 15 के बाद 22 को, 22 का 29 को, भाई इससे पहले भी तो होंगे, भाई उस पूरे महीने की बात कर रहा है कि मार्च के महीने में कितने शनिवार सोमवार होंगे, तो 15 से पहले भी भाई कौन सा दिन था, शनिवार था, 15 से पहले भी शनिवार आया होगा, तो 15 से पहले कब आया होगा, 15 में से 7 माइनस कर दे 8 को, और 8 में से फिर 7 माइनस कर देंगे, यानी कि 8 में 7 माइनस 1 को, यानी कि हमारा 1 तारीख को शनिवार, 8 को शनिवार, 15 को शनिवार, 22 को शनिवार, 29 को शनिवार। आप देखेंगे हमारे जो शनिवार होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। बताइए भाई डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे उम्मीद कर रहा हूँ आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर ना। अब इसी तरीके से हमें सोमवार निकालना है, तो बताना 17 के बाद जो सोमवार आएगा क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, 17 और 7 24, 24 और 7 31। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो महीना वो 31 दिनों का है भी या नहीं भी है,
तो आप देख रहे हैं मार्च तो हमारे 31 दिनों की होती है। तो अगर और आपको ये तो पता होगा ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कौन सा महीने कितने दिनों का होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक कभी नहीं बोलेंगे। हालांकि आपने ये सबको मालूम होगी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये सब चीज़ बचपन में मास्टर जी पढ़ा चुके होते हैं, देसी है। जैसे आप देखते हैं ये हमारा हाथ है, तो ये जो उठा हुआ जो भाग होता है ये हमारा 31 दिनों का होता है। और यहीं से शुरुआत करते हैं, जनवरी फरवरी जो गड्ढा आ गया हमारा फरवरी, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, गड्ढा आ गया जुलाई, फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट करते अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यानी जो उठा हुआ जो भाग है हमारा, उठा हुआ भाग है वो 31 दिन का होगा और जो गड्ढे में होगा वो 30 दिन का होगा। एक एक्सेप्शनल है, इसका अपवाद है क्या है, हमारा जो दूसरा महीना फरवरी है वो हमारा भाई 30 का नहीं होता, वो या तो 28 का होता है या 29 का होता है। तो यही आपका एक अपवाद है, उसके बाद हमारे यहाँ से बता सकते हैं दिन, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी फरवरी मार्च किसी का भी, जो महीना हमारा गांठ पर आए या फिर बोले इस उभरे हुए भाग पर आए तो 31 दिन का होगा, और गड्ढे में आए तो 30 दिन का, फरवरी को छोड़ करके। ठीक है, चलिए 17 और 7 24 और 7 31 मार्च में पता है 31 दिन जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन। तो 17 से पहले भी आपका भाई सोमवार आया होगा, 17 में 7 मार्च कर देंगे 10 और 10 में 7 मार्च कर देंगे 3, यानी कि 3 तारीख को, 10 तारीख को, 17 तारीख को, 24 तारीख को और 31 तारीख को, यानी 1 2 3 4 5 शनिवार, 5 शनिवार और 5 ही क्या होंगे सॉरी सोमवार। ये आपका क्वेश्चन था, बताइए क्वेश्चन था कुछ भी नहीं, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 5 शनिवार और 5 सोमवार। समझ गए भाई, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जनवरी को शुक्रवार था, सॉरी 16 जून को क्या था, शुक्रवार था। चलिए 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में, अब देखो ये तो जून चल रहा है मेरा, ये पूछ रहा है जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को आएगा, पहला शुक्रवार जुलाई में पूछ रहा है, जुलाई में पहला शुक्रवार फर्स्ट फ्राइडे हमें निकालना है कब आएगा। और ये जो हमें दे रखा है 16 जून को शुक्रवार है, तो मैं यहाँ से पूछूं बताना, अगर 16 को शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार कब आएगा भाई, 7 ऐड कर देंगे यानी अगला आएगा 23 को, फिर अगला कब आएगा 23 और 7 30 को आएगा। अब यहाँ पे हमें ये देख लेना, हमारा ये जून का जो महीना है वो कितने दिन का है, 30 दिन का होता भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, गड्ढे मारा जून कितने का है 30 दिन का, यानी 30 तारीख को हमारा क्या होगा शुक्रवार होगा, 30 तारीख को शुक्रवार। लेकिन हमें ये पहला शुक्रवार पूछ रहा है और जुलाई के महीने में पूछ रहा है, अगर बताना 30 तारीख को शुक्रवार है, अब हमारा आ गया महीना जुलाई, कौन सा आ गया जुलाई आ गया, ध्यान समझना, अब हमारा ये जुलाई स्टार्ट हो गया, 30 के बाद क्या स्टार्ट जुलाई, तो बताना शुक्रवार के बाद क्या आएगा शनिवार आएगा, यानी 1 तारीख को शनिवार हो गया, अगर 1 तारीख को शनिवार है अगला शनिवार कब आएगा, 1 और 7 8 को आएगा, 8 तारीख को क्या आएगा शनिवार आएगा, लेकिन हमें शनिवार थोड़ी निकालना है, हमें तो शुक्रवार निकालना है। तो आप देखेंगे शनिवार से पहले क्या आएगा शुक्रवार आएगा, यानी कितनी तारीख को आएगा 7 तारीख को आएगा, कितनी को 7 तारीख को। या फिर आप यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया 30, तो या आप डायरेक्ट यहाँ पर 7 ऐड भी कर सकते थे इस तरीके से ना करके, जैसे हमारा 16 और 7 23 और 7 30 हमारा महीना कंप्लीट हो गया, तो अगले 7वां जो दिन होगा वो किसका होगा शुक्रवार का ही होगा। तो आप या तो जो मैंने तरीका इस तरीके से बताया कि भाई 30 को शुक्रवार, तो 1 तारीख को क्या होगा 1 जुलाई को शनिवार होगा, तो अब इसके अगला शनिवार जो आएगा कब आएगा 8 तारीख को आएगा, लेकिन शनिवार से पहले शुक्रवार भी तो आएगा, तो 7 जुलाई को हमारा क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। समझाने की कोशिश तो आपके लिए भाई अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, इसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, लेकिन मुझे लगता नहीं आपका डाउट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 जुलाई, जल्दबाजी में ना लगा दें भाई, ठीक है 8 को हमारा क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। अच्छा जी, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन, तीसरे दिन से क्या मतलब है, यानी कि 3 तारीख को हमारा क्या मंगलवार है, ये नहीं बताया कौन सा महीना, कोई भी महीना है ठीक है, मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, यानी 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो बताना 3 तारीख को मंगलवार, अगला मंगलवार कब आएगा 3 और 7 10, 10 और 7 17 और 17 और 7 24, समझ रहे हैं भाई 3 तारीख को मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब आएगा 7 और ऐड कर देंगे 10 को आएगा, फिर 17 को आएगा, फिर 24 को, 24 तारीख को हमारा क्या आएगा मंगलवार। लेकिन हमें जो पूछा है वो पूछा 25 का, भाई 25वां दिन पूछा ना इसने,
25वां दिन कौन सा होगा, यानी 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप देखेंगे 25 को क्या होगा, 24 को मंगल है तो 25 को क्या होगा, बुधवार होगा। तो बताना, मैंने आपसे जो टाइम लिया था अभी समझाने के लिए, बताना अब यहाँ पर टाइम लग रहा सॉल्व करने, बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर वो आपको चीज़ नहीं समझाता तो शायद ये चीज़ आपको इतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। अब आपको ज़रूर क्लियर हो रही होंगी, यानी आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी तरीके से, यदि माह की पाँचवीं तिथि मंगलवार है, यदि माह की पाँचवीं तिथि मंगलवार है, यानी कि 5 तारीख को क्या है, मंगल है। चलिए 5 तारीख को क्या है, मंगलवार है। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्र के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, माह के तीसरे शुक्रवार। तो मुझे पहले ये तो पता हो कि पहला शुक्रवार कब आया, पहला शुक्रवार कब आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझना, पहले हमें शुक्र जो है हमें निकालना होगा, पहला शुक्रवार कब होगा। तो देखना 5 तारीख को अगर मंगल है, 5, 4, 3, 2, 1, भाई 5 तारीख क्या मंगल है, ध्यान से देखना 5 तारीख को मंगल है, तो मंगल से पहले क्या होगा, सोमवार, यानी कि 4 को सोमवार होगा, फिर आपका ये रविवार होगा, सोमवार, फिर रविवार, फिर आपका शनिवार और ये शुक्रवार, समझ गए भाई। यानी 1 तारीख को शुक्रवार होगा, पहला शुक्रवार आपका कब होगा, 1 तारीख को होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये शुक्रवार क्यों निकाला, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो मुझे पहले ये तो पता पड़ेगा कि पहला शुक्रवार कब होगा, तभी तो निकाल पाऊंगा, तीसरा शुक्रवार कब होगा। तो हमने देखा 5 तारीख को मंगलवार है, तो हमें ये चेक करना होगा कि कहीं भाई इस 5 तारीख से पहले कहीं शुक्रवार तो नहीं पड़ रहा है। तो हमने देखा 5, 4, 3, 2, 1, 5 तारीख का मंगल, तो 4 का होगा सोमवार, भाई बैक हो जाएगा, सोमवार, शनिवार, रविवार, सॉरी मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार और ये शुक्रवार, 1 तारीख को आपका शुक्रवार निकला। तो बताना अगर पहला शुक्रवार जो है आपका 1 तारीख को है तो दूसरा कब होगा, 8 को होगा। साथ साथ ऐड करते चलेंगे, 1 और 7 8, 8 और 7 15, यानी तीसरा जो शुक्रवार होगा वो कब होगा, 15 तारीख को होगा। लेकिन इसने पूछा है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, 3 दिन बाद यानी कि 15 + 3 यानी कि 18, जल्दबाजी में 18 मत लगा देना। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, इसने बोला 3 दिन बाद कौन सा होगा, भाई यहाँ से तो यह है शुक्रवार से तीसरा दिन हो गया 18, तो शुक्रवार से तीसरा दिन 18 होगा, लेकिन इसे 3 दिन बाद, तो 18 के बाद क्या होगा, यानी कि 19 आंसर होगा इसका। जल्दबाजी में आप जो है 18 ना लगा दें, ठीक है भाई। 15 को तारीख को शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद इसने बोला कि शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, 3 दिन बाद बतानी, ना कि तीसरे दिन। अगर यही होता कि तीसरे दिन कौन सी तिथि होगी तो आपका 18 सही था, लेकिन 3 दिन बाद है तो हमें क्या होगा, 18 के बाद क्या होगा, 19 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्लियर। चलिए ये आपका टाइप 6वीं कंप्लीट हो गया, टाइप 6वीं कंप्लीट। अब आपका आता है एक टाइप 7, टाइप 7 और ये लास्ट आपका टाइप है, और इसी के साथ आपका जो कैलेंडर जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइप जो 7 में पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, अगर नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी सॉल्व इसे कर सकते हैं, इतना आसान टाइप है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, हो सकता है मेरी हेल्प से थोड़ा सा और आसान हो जाए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 7 का क्वेश्चन देखेंगे, यदि कल के बाद शुक्रवार, हाँ एक चीज़ समझ लीजिए, इस टाइप का नाम भी दे दीजिए, टाइप का नाम दे देते हैं हम आज, कल और परसों, ये हमारा टाइप है। टाइप 7 क्या होगा, आज, कल और परसों, अब आप समझ भी गए होंगे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है, क्वेश्चन देखेंगे, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। तो इस क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग में सोच करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। इसने क्या बोला है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, कल के बाद का क्या मतलब है, यानी परसों शुक्रवार आएगा। तो बताना अगर परसों शुक्रवार आएगा तो कल क्या आएगा, परसों शुक्रवार आएगा तो कल क्या आएगा, गुरुवार आएगा, यानी आज क्या है, यानी कि आज बुधवार है, आज क्या है, बुधवार है। लेकिन इसने पूछा क्या है, आज बुधवार है तो कल क्या दिन था। अभी कल की बात कर रहा है, ये नहीं पूछा कल क्या दिन होगा, कल क्या दिन था। आज अगर बुधवार है तो कल क्या दिन था, कल मंगलवार होगा तभी तो आज बुधवार है, कल क्या होगा, मंगलवार। तो एक तो तरीका आपका यही है कि आप ऐसे ओरली इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन। लेकिन एक तरीका और मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जहाँ से आपकी गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। क्या,
जैसे आज कल और परसों की बात करें तो बताना आज के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आज के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, टुडे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, टुडे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं टी टी। तो देखना अगर फ्यूचर की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा तो मैं लिखूंगा इधर, अगर पास्ट की बात करेगा तो मैं लिखूंगा इधर, इधर लिखूंगा पास्ट की बातें, इधर लिखूंगा फ्यूचर की। आप कह रहे हो पास्ट और फ्यूचर क्या है, तो देखना पास्ट और फ्यूचर क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला कल, तो देखना कल कौन सा कल, यहां से बात निकल के आती है कौन सा कल। तो कल आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी हमारा जो गुजर गया, ये हमारी चीज़ पास्ट की हो गई, बीता हुआ कल। जैसे आपने वर्ड पढ़ा हुआ, कल के लिए हम क्या बोलते हैं, टुमारो होता है, और एक हमारा यस्टरडे होता है, टुमारो और यस्टरडे दो वर्ड होते हैं। ये हमारा कल यानी कि बीता हुआ कल, और एक कल आपका होगा आने वाला कल, आने वाला कल। तो ये जो आपका होगा आने वाला कल यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले कल की बात करें यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, अगर बीते हुए कल की बात करें यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो आने वाले कल होंगे, तो कल और परसों दो हैं यहाँ पर, कल और परसों दो हैं, तो हम क्या करेंगे, टी है तो यहाँ मैं दो गोले और बना देता हूँ, या बॉक्स बना लीजिए आपकी इच्छा है, चाहे आप बॉक्स बना लो चाहे गोला बना लो, मैंने बना दिया ये और दो इधर बना दिए और दो इधर बना दिए। यहाँ से क्या समझ आ रहा हूँ, ध्यान समझना, सच बता रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा इससे, और हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा हो क्या बना दिया, पर अजीब नहीं है बिल्कुल ही। इधर पास्ट वाले दिन लिखूंगा, इधर मैं क्या से लिखूंगा, फ्यूचर वाले दिन, यानी ये हमारा आज है टुडे यानी टी, ये आज है, ये कल है, ये परसों है, ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों, समझ गए, ये आने वाले कल हैं, कल और परसों, और ये बीते हुए कल और परसों। अब इस क्वेश्चन को आप समझ रहे, इसने क्या बोला, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, तो बता शुक्रवार आएगा कब की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, आएगा फ्यूचर की बात कर रहा है, कल के बाद यानी परसों शुक्रवार आएगा, यानी ये दिन आपका क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। तो बता अगर ये शुक्रवार है तो यहाँ क्या होगा, शुक्रवार गुरुवार होगा, और ये आज क्या होगा, बुधवार होगा, यहाँ क्या होगा आपका मंगलवार होगा, और यहाँ क्या होगा आपका सोमवार होगा। भाई बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ दिन मालूम पड़ेगा अब तो मुझे बैक चलता चला जाऊँगा, अगर इधर से होगा तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, यहाँ से मुझे पीछे लौटना है ना भाई, ये तो हमारे फ्यूचर में पहुँचेगा, मुझे पास्ट में आना तो बैक आना पड़ेगा भाई। शुक्रवार गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार। अब देखना क्या पूछा इसे, तो कल क्या दिन था, पास्ट की बात कर रहा है, यही तो था कल, कल क्या था, मंगलवार था, ये आंसर बताओ क्या है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये मैं थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी सी इससे हेल्प हो जाए जो मैंने तरीका बताया। अच्छा इसी पर मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी से बताऊंगा, ठीक है। टी और फिर ये हमारे दो दिन हो गए कल और परसों के, और ये दो दिन हो गए, ये हमारे फ्यूचर वाले और इधर हमारे पास्ट वाले। क्वेश्चन अगला देखेंगे, यदि कल से पहले दिन का दिन, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, पास्ट की बात कर रहा है, कल से पहले क्या होगा, परसों, यानी ये दिन बृहस्पतिवार दे रखा है, समझ रहे हैं भाई, पास्ट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, बृहस्पतिवार। तो इस दिन क्या होगा, फटाफट से लिख दो, शुक्रवार होगा, ये क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, ये हमारा क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रविवार होगा, और ये हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा ये देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है तो सोमवार कब आएगा, तो सोमवार कब आएगा, सोमवार कब आएगा यानी कि आने वाले कल के अगले दिन, यानी कह देंगे आने वाला जो परसों है तब। तो यहाँ देखना ऑप्शन तो इस तरीके से है नहीं, तो ऑप्शन देखेंगे आज, तो आज तो होगा नहीं, कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन यानी फ्यूचर की बात कर रहा, तो आज है कल के बाद का दिन यानी कि सोमवार है, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, कल के बाद का दिन। और तीसरा देखेंगे, कल के दो दिन बाद, कल के दो दिन बाद तो है नहीं है, आने वाले कल से पहले का दिन, आने वाले कल से पहले का दिन यानी ये तो आज की बात कर रहा है, तो आज तो है ही नहीं, बस कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। एक क्वेश्चन और देखना है इस पर, यदि बीते कल से पहले, इसे यहीं रहने दे रहा हूँ, यदि बीते कल से पहले, यदि कहाँ गया, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, यदि बीते कल से पहले, पास्ट की बात कर रहा है, यदि बीता हुआ कल कौन सा, ये आज है, ये कल है, कल से पहले यानी परसों, कब की बात कर रहा है, परसों की, कौन सा दिन था, बुधवार था, ये हमारा क्या था, बुधवार था। चलिए पूछा क्या है इसने, बुधवार था तो रविवार कब आएगा, बताइए क्या है भाई,
क्वेश्चन ही कहीं है, रविवार कब आएगा तो बुधवार, यही है ना, रविवार की बात कर रहा है ना, सॉरी हाँ ठीक है। तो आप देखें बुधवार, ये आपका बृहस्पतिवार, ये आपका शुक्रवार, ठीक है, और ये आपका शनिवार, और ये आपका रविवार। तो आप बताना रविवार कब आएगा, यानी परसों आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, रविवार किस हिसाब से दिए ऑप्शन, आज, आज तो हमारा सही क्या है, आज तो हमारा शुक्रवार है, आने वाला कल, आने वाला कल क्या शनिवार है, आने वाले कल के बाद अगले दिन, आने वाले कल के अगले दिन यानी कि रविवार, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, आने वाले कल दो दिन बाद, नहीं कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से साथियों हमने ये टाइप कंप्लीट कर लिया, टाइप 7, और आपकी कैलेंडर की क्लास भी जो है कंप्लीट होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिक जानकारी वाले हैं, जो आप जिस तरीके से वाला टाइप था मैं अगर नहीं भी पढ़ाता तब भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प के लिए, हो सकता है इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, या फिर आपका कोई और तरीका, जरूरी नहीं आपको यही अपनाना है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग कोई और तरीका है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो आपकी क्लास तो कंप्लीट हो गई, अब मैं क्या करूँगा, आपके रिवीजन की क्लास और करूँगा, इसके कैलेंडर की रिवीजन की क्लास। तो जिस तरीके से मैंने कुछ आपके क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो आपके रिवीजन क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, आपकी जो रिवीजन क्लास होगी वहीं पर आपके मैं क्वेश्चन ले लूँगा जो मैंने आपके लिए नहीं बताए, यानी एक तरीके से कैसे मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन छोड़ दिए। तो साथियों आज हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।